सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा नाम राम। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्केल नंबर 11। तो स्केल नंबर 11 की मैंने कागज बांट कर रखी है। इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, हाइट है 75 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इसकी 45। तो हाइट और ब्रेथ इसकी बराबर, इसलिए हम इसको लंबाई में भी बना सकते हैं और चौड़ाई में भी। जिधर को भी आप पेपर रखना चाहे आप रख सकते हैं, आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये दोनों साइड कागज़ में पूरा भी आ जाता है। इसी कागज़ में नॉर्मल कागज़ जो हम यूज़ करते हैं उसमें पूरा आ जाएगा। तो हमने इसमें जो फुट्टा यूज किया है वो हमें बताया गया है 1.8 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं 1.8 सेंटीमीटर हमने फुट्टा इसमें यूज किया है। इसी को ही हम यूज करेंगे और इसको इसी की सहायता से हम इसमें स्केल बनाएंगे। तो ये जो हमारी स्केल है ये हमारा है मेज, जो हम यूज करते हैं मेज है हमारा, ये हमने बनाना है। तो इसका हम सबसे पहले बनाएंगे एलिवेशन। आपने भी इसी तरह से कागज बांट पहले तैयार करनी है, फिर आपने कार्य शुरू करना है। तो एलिवेशन में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे पहले 3-3 सेंटीमीटर दोनों साइड को बाहर को इसमें स्पेस है। तो हम यहाँ से पहले 3 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, उसके बाद इसमें जो है वो पाए लगे हुए हैं 4 सेंटीमीटर के, 4x4 के इसमें पाए लगे हुए हैं। तो यहाँ से फिर हम 3 के बाद 4 सेंटीमीटर छोड़ेंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी हम ये हमारा 3 सेंटीमीटर बाहर पर रहेगा और फिर उसके बाद 4 सेंटीमीटर का पाया रहेगा। यहाँ पे भी हमने उसी तरह से इसमें निशान लगाने हैं। मैं निशान लगा देता हूँ यहाँ पे 3 के बाद 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी हमने 3 सेंटीमीटर, 3 के बाद हमारा आएगा 4 सेंटीमीटर। हम अभी लाइन इधर को नहीं लगाएंगे, इधर को हम लगाएंगे। इसमें ऊपर वो फट्टी बनी हुई है, ये है 2 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले वो फट्टी हमें लगानी है क्योंकि पाए के प्रोजेक्शन उस फट्टी में नहीं है। तो यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर की पहले ऊपर फट्टी लगानी है। इस तरह से मैंने यहाँ निशान लगा दिया है। तो ये फट्टी हमारी पूरी आएगी 2 सेंटीमीटर के ऊपर, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये हमारा है 3 सेंटीमीटर, ये जो हमारी जगह बाहर को छूट गई है, यहाँ से ये हमारा पाया है 4 सेंटीमीटर इस तरह से। यहाँ भी हम इसी तरह से इसमें 3 सेंटीमीटर बाहर को छोड़ देंगे और फिर हम 4 सेंटीमीटर का इसमें पाया बना देंगे इस तरह से। ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं जिसका कोई कार्य नहीं है, इस तरह से। इस तरह से ही हमारा 3 सेंटीमीटर जो है वो बाहर को छूट जाता है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ये आपका इतना बन गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें ऊपर से फट्टी लगी हुई है और वो है 8 सेंटीमीटर की। तो हमने यहां से 8 सेंटीमीटर काटना है दोनों साइड, यहां से 8 सेंटीमीटर है, इन पायों के अंदर है ये 8 सेंटीमीटर इस तरह से। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे, ये हमारी आएगी डार्क लाइन। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हमारा जो है वो डॉटेड आना है, या मैं पहले ही हल्की सी डॉटेड लगा देता हूँ। उसके बाद नीचे से ऊपर को हमारी एक फट्टी इसमें लगी हुई है, वो फट्टी हमारी है 8 सेंटीमीटर के बाद 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने सबसे पहले 8 सेंटीमीटर काटना है, उसके बाद हम काटेंगे 4 सेंटीमीटर इस तरह से। यहाँ पे भी हम पहले 8 सेंटीमीटर काटेंगे, फिर हम लगाएंगे 4 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसको मिला देना है यहाँ से, ये फट्टी हमारी है इस तरह से। और इसमें भी हमारे, इसके भी हमारे डॉटेड आने हैं, तो हम इसमें जो है ना वो लगा देंगे। ये हम पूरी डॉटेड लगाएंगे,
क्योंकि ये जो हमारी फट्टी है 4x4 की है और पाया भी हमारा 4x4 का है, तो ये पूरे पूरे जो है डॉटेड यहाँ पे आने हैं हमारे इस तरह से, ये पूरे ही आएंगे। और ये बीच में तो लाइन मैंने लगाई नहीं, ये बीच में लाइन हमारी डार्क आएगी, ये इसके अंदर जो है 4x4 का है तो ये पूरी डॉटेड आएगी इस तरह से। और ये हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इसमें निशान मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ये इसके बीच में हमें 2 सेंटीमीटर लगा देते हैं और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर कटेगा। मैंने पहले छोड़ का है आधा इसका, तो ये हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के निशान इसमें लगा देने हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से हम इसको यहाँ पे डॉटेड मिला देंगे 2 सेंटीमीटर इस तरह से, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये बनेगा, ये हमारी जो है एलिवेशन है वो बन के तैयार होगी और साइड भी हमारी इसी तरह से बननी है, सेम जैसे हमने ये बना रखा है इस तरह से बननी है। तो हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर काट देते हैं पहले ऊपर, 1-2, और हम इसी को ही जो हमने एलिवेशन बना रखा है ना इसी के साथ ही हम इसको यहाँ पे मिला देंगे ये फुट्टा लगा करके, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और हमें इसमें पाए बनाने हैं, तो पाए बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ से छोड़ना है 3 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं ये 3 सेंटीमीटर हमने छोड़ दिया। 3 के बाद हमारा है 4 सेंटीमीटर का पाया है, यहाँ पे भी हम पहले यहाँ से 3 सेंटीमीटर छोड़ देंगे और फिर हम 4 सेंटीमीटर का पाया यहाँ बना देंगे। ये हमारा है 3 सेंटीमीटर है और फिर हमारा है 4 सेंटीमीटर इस तरह से, ये है 3 सेंटीमीटर फिर है 4 सेंटीमीटर इस तरह से। अब हम इसको मिला देते हैं डार्क, ये हमारा पाए बन गए हैं इस टेबल के, आप देख सकते हैं ये जो फालतू लाइन है इसको हम मिटा देंगे यहाँ, देख सकते हैं ये हमने मिटा दिया है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी फटिया है ये हमने लगानी है, ये है नीचे से 8 के बाद 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे एक साइड में इसमें निशान लगा देंगे, आप देख सकते हैं ये 8 सेंटीमीटर है और 8 के बाद हमने यहाँ पे लगाना है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने ऊपर से कितना काटना है 8 सेंटीमीटर इस तरह से। और हमने क्या करना है, इसको मिला देते हैं यहाँ पे इसके साथ, तो हमने यहाँ से इसका पोजीशन लेना है, इसके सीध में बिल्कुल हमने इस तरह फुट्टा लगाना है और हम यहाँ पे इसको अंदर डार्क लगा देंगे इस तरह से और इस तरह से। और यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर जो है वो डॉटेड लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से। और ये जो हमारा आएगा, अब इसमें डॉटेड नहीं आएगा, इसमें हल्का डॉटेड आएगा, मतलब पूरा डॉटेड नहीं आएगा जैसे हमने साइड एलिवेशन में बनाया था, तब इसमें सिर्फ यहाँ से 2 सेंटीमीटर अंदर को आएगा यहाँ से इस तरह से, क्योंकि ये दोनों साइड नहीं है एक ही साइड है इस तरह से। ये हमारा इतना डार्क आएगा, यहाँ से बाहर को ये इस तरह से डॉटेड आ जाएगा। यहाँ से हमने इसका आधा, इसमें इसका आधा यहाँ से बाहर को जाएगा, यहाँ से ये अंदर को लगेगा डॉटेड। यहाँ से इसको 2 सेंटीमीटर नाप सकते हैं, वैसे हमने आईडी से यहाँ लगाया है 2 सेंटीमीटर, हाँ थोड़ा सा हमारा ये बढ़ गया है, तो इतना ये हमारा यहाँ डॉटेड आना है। ऊपर हमारा ठीक है, तो हम इसको यहाँ से 2 सेंटीमीटर इस तरह से हम यहाँ इसको लगा देते हैं, ये हम निशान लगा देते हैं 2 सेंटीमीटर का इस तरह से,
हमारा बिल्कुल ठीक है, तो इसको मिला देते हैं। यहाँ ये अंदर को रहेगा और यहाँ ये बाहर को रहेगा। इसका ये मतलब होता है कि ये फट्टी जो है इसी तरह की फट्टी है, इधर भी लगी हुई, इसलिए ये बाहर को रोटेट रहता है, ये फट्टी इधर को भी लगी। इसका मतलब ये कि ये फट्टी सिर्फ इसी के अंदर है, दूसरी साइड इसमें फट्टी नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में स्केल बनी हुई है, इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है वो हमारा बना हुआ है। इस तरह से आपने भी ऐसे ही बनाना है। इसमें बीच में यहाँ पे एक फट्टी लगी हुई है, तो वो हमने लगानी है। तो हम कैसे इसको नाप सकते हैं, अब देखिए इसकी जो ब्रेथ है वो है 45 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ से 3 × 4 = 7 × 3 × 4 = 7 = 14 सेंटीमीटर हमने इसमें से पहले ही कम कर दिया है। तो 45 में से यदि हम 14 सेंटीमीटर घटाते हैं तो हमारे पास बीच में बच जाता है ये 31 सेंटीमीटर। तो 31 सेंटीमीटर ये आप देख सकते हैं, 32 में से एक माइनस गया तो 31 बचा हुआ है। तो हमने क्या करना है, ये 13.5 सेंटीमीटर हमने दोनों साइड को काटना है, तो बीच में हमारा 4 सेंटीमीटर रह जाएगा यहाँ से। तो हमने काटना है 13.5 सेंटीमीटर, तो ये आपका 8 × 4 = 12 और ये 13 हम काट देते हैं यहाँ पे, ये हमारा है 4 सेंटीमीटर उसके बाद हम काटेंगे। और अब हम देख भी सकते हैं कि क्या 13 सेंटीमीटर हमारा बचता है। तो आप ये देखिए यहाँ पे ये 12 13 सेंटीमीटर हमारा ये बच 13.5 हमारा है यहाँ पे बच रहा है ये। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 13 13.5 सेंटीमीटर हम यहाँ काट देंगे, उसके बाद हम काटेंगे यहाँ से 4 सेंटीमीटर इस तरह से। और जो ये हमारी इसमें लाइन आएगी, ये हमारी आएगी डॉटेड लाइन यहाँ पे आएगी इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो साइड है ये बन के तैयार हो गई है। तो साइड की से जो ये लाइनें हमारी साइड में आई है, इसके प्रोजेक्शन हमने लेने हैं यहाँ पे। तो हम इसके प्रोजेक्शन ले लेते हैं प्रोजेक्शन सेक्शन में। तो यहाँ से सबसे पहले ये हमारा 3 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, 4 के बाद है 2 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं ये हमारा था 3 के बाद 2 के बाद 4। फिर हमने इसका भी हमने प्रोजेक्शन लेना है, तो इसका प्रोजेक्शन लेने के लिए हमें यहाँ पे सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, ये 90 डिग्री पे आना चाहिए सीधा बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये हमारे सारे प्रोजेक्शन जो है वो आ चुके हैं। हमने इनको लेना है प्लान में प्रोजेक्शन को सभी को इस तरह से हम निशान लगा देंगे इस तरह से। हम देख सकते हैं और ये प्रोजेक्शन भी हम यहाँ से ले लेंगे इस तरह से। सभी प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे डिग्री में यहाँ से लेने हैं, निशान लगाने हैं हमने यहाँ से इस तरह से। अब हमने ये जो है प्रोजेक्शन हमने जो लिए है ये हमने दोनों साइड इस लाइन पे लगाने हैं यहाँ पे। तो यहाँ से दोनों साइड लगा भी सकते हैं, नहीं तो इसके सीध में भी हम बड़े फुट्टे से हम कार्य कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ तो हम जो है वो पाया इसका बनना है और ये लाइन भी पूरी आनी है हमारी यहाँ से। ये वाली जो लाइन है ये हमारी यहाँ से इसके सीध में यहाँ से पीछे हमारी आनी है, डॉटेड लाइन आनी है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर के बाद है ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी ये 3 सेंटीमीटर के बाद आनी है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो यहाँ से पीछे ये आनी है लगभग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी हम इसका निशान ले लेते हैं
तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसमें जो है हमने पाए बनाने हैं, ये हमारा पाया है। इस तरह से हमने चार बाई चार के इसमें पाए बनने हैं हमारे, तो हम इसके सीध में यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ से हमने ये प्रोजेक्शन ले रखा है, ये हमारा है, तो इसके सीध में यहाँ पे इस तरह से ये हमारा चापाया बन गया है दो। और अभी यहाँ पे भी हम निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने लिया नहीं है इसका प्रोजेक्शन, इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारे पाए बन गए हैं। अब इधर को ये जो फट्टी हमारी लगी हुई है, ये पूरी लगी हुई है, तो ये जो पाया आएगा ये हमारा पूरा ही आएगा ऊपर से नीचे तक। तो इसमें हमारे को पूरी लाइन लगानी पड़ेगी यहाँ पे इस तरह से। और इसके बीच में जो है हमने वो ये 2 सेंटीमीटर की जो रेखा है, ये जो हमारी डॉटेड लाइन है, ये भी हमारी इसमें पूरी आनी है नीचे तक इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये पूरी आनी है लाइन ऊपर तक इस तरह से। और ये जो हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा पूरा आना है यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से इधर को बनेगा ये। अब हमने क्या करना है, इधर को जो है इसमें 2 सेंटीमीटर की लाइन ये आनी है हमारी, ये जो रेखा है इस तरह से ये आनी है हमारी 2 सेंटीमीटर की। यहाँ पे भी हमारी 2 सेंटीमीटर की रेखा आनी है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर की आगे। अब ये जो हमारी रेखा है, ये हमारी आनी है बीच वाली रेखा आनी है। तो इसको मैं पहले प्लान में इसका नाप ले लेता हूँ यहाँ से। इस तरह से, क्योंकि हमने बिल्कुल 90 डिग्री में सीधी रेखा लगानी है, ये बीच में हमारी लाइन आनी है यहाँ से इस तरह से। ये रेखा हमारी आएगी यहाँ तक और यहाँ पे भी ये लाइन आनी है हमारी 2 सेंटीमीटर की इस तरह से। ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से ये हमारा प्लान जो है वो बन के अब तैयार हो गया है। तो हमारा एलिवेशन, साइट प्लान, प्रोजेक्शन, मतलब पूरी स्केल हमारी बन के तैयार हो गई। आप देख सकते हैं इस तरह से स्केल बननी है। इसमें हमारा बचता है स्केल कार्ड यहाँ पे, तो वो हमने यहाँ पे स्केल नंबर जो हमने इसमें यूज किया है वो है 1.8 सेंटीमीटर। यहाँ आपने जो है वो स्केल कार्ड इसमें बनाना है। ये कार्य आपके लिए है। और स्केल जो है हमारी वो बनके तैयार हो गई है, स्केल नंबर 11।